आने का बना है। सबसे आगे डीजे जब पब्लिक चलेगी, जब पब्लिक चलेगी वहां पर सुभाष चौधरी रहेगा। सुभाष चौधरी डीजे के सामने गया चलेगा। सुभाष चौधरी एमसी वाला। आज आपका धरना प्रदर्शन है, आप नोएडा प्रस्थान कर रहे हैं, आपकी किस महीने आज के क्या क्या एजेंडा रहेंगे आपके? आज हमारे एजेंडा रहेंगे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के बारे में। हमने अथॉरिटी से जो एक 5 सूत्री मांग दी थी उस पर कार्रवाई कितनी हुई, उन्होंने कितना किया, और जो पिछले 4.5 सालों में किसानों के मुद्दे हैं, चाहे वो 64% का रहा हो, चाहे वो 5% आबादी, 7% आबादी या 6% अलग अलग अथॉरिटियों का रहा हो वो, और अपनी जो 5% के प्लॉट के अलावा जो अपनी आबादियाँ हैं उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, उसके बारे में हम अथॉरिटी से बात करेंगे और उसी के लिए हमने महापंचायत आज बुलाई हुई है। आपने कुछ समय में पहले भी प्राधिकरण पर वो किया था धरना प्रदर्शन, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला था? उसका निष्कर्ष ये निकला था कि उन्होंने हमें टाइम दिया था कि हम अगले 15 अक्टूबर तक आपकी समस्याओं को हल कर देंगे। हमने कहा 15 अक्टूबर आपको दिया और 3 दिन हमारी तरफ से, अगर 15 अक्टूबर में नहीं हुआ तो 18 अक्टूबर में हमारा एक महापंचायत के रूप में तीनों प्राधिकरणों को घेरने का प्रोग्राम रहेगा। आज कहाँ पहुँचेंगे फिर? अभी हम यहाँ से बॉर्डर की तरफ प्रस्थान करेंगे और अपनी रणनीति के तहत नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, जहाँ पे भी हमारा जो शीर्ष नेतृत्व पीछे आ रहा है वो निर्णय लेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। झंडे से, ओ माने का झंडे से।